नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है कार रूम फ्रेशनर का। कार रूम फ्रेशनर बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। आज मैं बहुत ही इजी वे से आप लोगों को कार रूम फ्रेशनर बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों जब से कोरोना वायरस आया और जब से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन ओपन हो रहा है, उसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मंदी की और नौकरी और बिजनेस की। तो इससे ही रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि इस बिज़नेस में जिसको भी इन्वॉल्व होना हो वो इजी इस वीडियो को देख के अपने घर से इसको बना के इसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। कार रूम फ्रेशनर एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है कार के लिए। उसमें वो फ्रेशनर देने का काम करता है, यानी आपने देखा होगा गोदरेज का और बाकी सभी कंपनियों का एक फ्रेशनर होता है जेल टाइप में। उस जेल टाइप में जो फ्रेशनर होता है उसे कार में यूज़ किया जाता है एज ए फ्रेशनर के रूप में। उसे ही आज हम बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसे बनाया जा सकता है और इसे बना के किस तरह आप इसका बिज़नेस कर सकते हो, इसके बारे में भी आइडिया मैं दूंगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले मैं करता हूं आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के बिज़नेस आइडिया और प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँच जाएगी। दोस्तों इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और भी है कि मेरा एक और चैनल है रंजीत वीलॉग नाम से, उसके भी लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ उस पर भी आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों कार रूम फ्रेशनर बनाना बहुत ही आसान है। इसकी बॉटल्स जो है इंडिया मार्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, एम्प्टी बॉटल्स आप वहाँ से मंगा सकते हैं अगर इसका बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। और रॉ मटेरियल भी इजीली आप इंडिया मार्ट से परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बना के चेक करना है तो अमेज़ॉन जो है ऑनलाइन साइट्स ओपन हो चुकी है, तो अमेज़ॉन पे इजीली ये सब रॉ मटेरियल्स जितने भी आप देख रहे हैं वो अवेलेबल है। आप वहाँ से भी इसे मंगा सकते हैं और इसको बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बैच का ट्रायल ले सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको केवल और केवल तीन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होती है और बाकी तो ऑप्शनल होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आपको पॉलीमर की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपको अल्कोहल की और थर्ड आपको परफ्यूम की। पॉलीमर में आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कार्बोफूल को यूज़ करता हूँ 950 ग्रेड से। पॉलीमर में बहुत सारे पॉलीमर्स आते हैं तो कोई पॉलीमर्स को आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसको न्यूट्रल करने के लिए हम यहाँ पे ट्राइथेनोमाइन को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी पॉलीमर होते हैं वो एसिडिक्स होते हैं और कोई भी एसिडिक पॉलीमर को जब हम पानी में डालते हैं तो उसको न्यूट्रल करना ज़रूरी होता है। उसे न्यूट्रल करने के लिए हम अल्कलाइन के तौर पे ट्राइथेनोमाइन को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो मेथेनॉल यूज़ कर रहे हैं उसका मेन कारण यह है कि जो वेपोराइज होता है, यानी जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो मार्केट में बेचते हैं तो वो वेपोराइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपने रूम फ्रेशनर बनाया और वो मार्केट में देने के बाद वो वेपोराइज ही नहीं हुआ, यानी उड़ा ही नहीं, तो फिर वो चीज़ गलत हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे मेथेनॉल को यूज़ करते हैं और मेथेनॉल के साथ साथ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोई भी फ्रेशनर जो आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से आप कोई भी फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो, आप कोई भी फ्रेशनर को लेके यहाँ पे यूज़ किया कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जोजोबा ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे लाइम, जैस्मिन, ऑरेंज, कोई भी फ्रेगनेंस जो आपको पसंद है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको बनाना बहुत ईजी है। आपने मेरा अल्ट्रासाउंड जेल का या ECG जेल का वीडियो देखा होगा, सेम एज इट इज़ प्रोसेस होता है इसका। केवल थोड़ा प्रोसेस चेंज होता है लास्ट में, तो क्या चेंजेस होता है मैं आपको करके बताऊंगा। उसी तरह आप इसे बना के अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप पानी ले लीजिए। पानी में आपको लेना है पॉलीमर। पॉलीमर आप देखिएगा कि 940 ग्रेड से ले के कोई भी ग्रेड का आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 940 ही ग्रेड से यूज़ करें, आप इसमें बहुत सारी वैरायटी के पॉलीमर मिलते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ये दोस्तों विस्कोसिटी में बहुत हल्का होता है, आप देख सकते हैं। और इसको घुलने के लिए आपको एक दिन इसे रखना होगा। यानी अगर आप इस समय बनाना सोच रहे हैं, आज इस समय शाम के समय अगर मान लीजिए आप बनाना सोच रहे हैं तो उसे शाम के समय भुलगा के रख दीजिए और मॉर्निंग के टाइम इसे यूज़ करिए तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। दोस्तों याद रहे इसे घोलना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छी तरह घोलें। किसी भी तरह ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी बारीक बुरादे ना हो बचे, नहीं तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बेहतर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए।
और हो सके तो सिर्फ 12 या 24 घंटे के बाद ही यूज़ करें इस पॉलीमर को पानी में भिजा के रखने के बाद। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ऑन द स्पॉट मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं तुरंत घोलता हूँ। इस समय मैंने इसे घोल लिया है, पूरी अच्छी तरह देख सकते हैं आप, घुला नहीं है। लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो इसे वेट कर लीजिए, इसे अच्छी तरह घोल लीजिए, उसके बाद ही बनाएं। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मेथेनॉल। याद रखिएगा दोस्तों, मेथेनॉल लेना है, कोई भी अल्कोहल नहीं लेना है, आपको मेथेनॉल लेना है। फिर बता रहा हूँ, एथेनॉल या IPA आपको नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी फ्रेशनर जब बनाया जाता है तो उसमें केवल और केवल एथेनॉल को यूज़ किया जाता है, बाकी किसी भी अल्कोहल को यूज़ नहीं किया जाता है। मेथेनॉल किस लिए यूज़ करना है आपको मैं बता देता हूँ। मेथेनॉल एक ऐसे प्रोडक्ट्स होता है जो कि वेपोराइज बहुत फास्ट होता है, और इसके साथ जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो भी उसे वेपोराइज करवाता है। यानी अगर हम इसके साथ परफ्यूम के साथ इसे ऐड करते हैं तो ये पानी और परफ्यूम दोनों को वेपोराइज करता है। यहाँ पर हम मेथेनॉल की मात्रा ले ले रहे हैं, आप देख सकते हैं मेथेनॉल की मात्रा मैंने बढ़ा दिया है, पानी से काफ़ी ज़्यादा ले लिया है मैंने। मेथेनॉल जो है वेपोराइज करने के काम में आएगा परफ्यूम को, यानी उसे हवा में जो है फैलाने का काम करेगा। इसके बाद हम अपने हिसाब से जो भी परफ्यूम हमको पसंद हो उसे लेके इसी वक्त हम इसमें ऐड करेंगे। तो आपके पास जो भी परफ्यूम है वो ज़रूर ले लें। मेरे पास जो है मैं इसको यूज़ करूँगा अभी, और परफ्यूम की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा इसमें होगी क्योंकि हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं परफ्यूम जो है, परफ्यूम की मात्रा इसलिए ज़्यादा होगी कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए परफ्यूम को ज़्यादा, क्योंकि ये फ्रेशनर है, एयर फ्रेशनर। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कोशिश रखें कि आप जो है हमेशा वाटर सॉल्युबल परफ्यूम यूज़ करें, ऑयल सॉल्युबल परफ्यूम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी घुल जाएगा, बट हमेशा आप वाटर सॉल्युबल परफ्यूम ही यूज़ करें। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे ट्राइथेनोमाइड, क्योंकि ये एसिडिक है और इसे हम केक बनाना है अल्कलाइन, यानी न्यूट्रल करना, अल्कलाइन की तरफ ले जाएंगे तो न्यूट्रल होगा, तब हमारा प्रोडक्ट जो है तैयार हो जाएगा जेल फॉर्म में। तो इसी तरह इसे बनाना है। दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ट्राइथेनोमाइन को, क्योंकि इसे अल्कलाइन करना है। इस वक्त आप ज़रूर ध्यान दीजिए इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो पाने पाए, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा आप कर देते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है पतला हो जाता है। बस इतनी ही मात्रा इनफ होती है, आप इसे ध्यान से देखिएगा कि जब इसको मिक्स करूँगा तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा और आप ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे अल्कलाइन करना होता है तो ही इसीलिए ट्राइथेनोमाइन को यूज़ किया जाता है। देखिए ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी कटिंग नहीं है वीडियो में, कि आप बोल नहीं सकते बाद में कि इसमें कोई कटिंग किया गया है। आपको बताने के लिए ही मैं लाइव हमेशा करवाता हूँ इस चीज़ को, और कहीं पे कट नहीं करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट वो ट्रांसप्लांट तैयार हो चुका है। इसी तरह ट्रांसप्लांट प्रोडक्ट्स आप बना के अपने जेल वाले बॉटल्स में डाल सकते हैं, और इस समय आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट पूरी तरह जेल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसी तरह से खुला रखते हैं तो कुछ समय बाद आपका जो जेल ख़त्म हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेथेनॉल की मात्रा ज़्यादा है। तो कोशिश ये करें कि जब इसे बनाते हैं आप तो तुरंत इसे फिलअप करें और फिलअप करके डब्बे में रख लें। दोस्तों इस प्रोडक्ट्स की लाइसेंस की बात कर ली जाए तो MSME से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको, और इसके साथ साथ हो सके तो GST ले लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, परफ्यूम में मेथेनॉल हमेशा यूज़ होता है, तो मेथेनॉल का लाइसेंस अगर आप लेना चाहें तो ईजिली मिल जाएगा। आप मेथेनॉल का लाइसेंस ले लीजिए स्टोर करने का, या फिर आप ऐसे सप्लायर को ढूंढिए जो आपको मेथेनॉल सप्लाई करे विदाउट लाइसेंस के। ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स बेचने वाले बंदे हैं, आप उनसे भी ले इसके छोटे पैमाने पर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अमेजोन से प्रैक्टिकल करने के लिए, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, अमेजोन से मंगा लीजिए विदाउट लाइसेंस मेथेनॉल और उसे प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। जब आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट सही बना है तो आप इसे मार्केट में लेके उतरिए और पूरे लाइसेंसिंग के साथ उतरिए, ताकि आपसे कंपटीशन करने वाला कोई बंदा मार्केट में ना हो। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।